नमस्कार, लजीज फूड किचन में आपका स्वागत है। तड़के की आवाज़ सुन रहे हैं आप। आज की डिश की जान ये तड़का ही है। आज हम बनाएंगे लौकी का रायता तड़के वाला। इसके लिए हमें छोटी सी फ्रेश लौकी चाहिए। सभी इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अभी हम लौकी को पील कर लेते हैं। पील करने के बाद इसको ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद एक पैन लीजिए या कढ़ाई लीजिए और उसके अंदर ये लौकी को डालकर इसमें एक गिलास पानी डालिए और इसको कुक कर लीजिए। इसके अंदर हम थोड़ा नमक भी डाल देते हैं अभी से, ताकि लौकी थोड़ा जल्दी पक भी जाएगी और लौकी में थोड़ा नमक भी आ जाएगा। अब हमने इसको कुक होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये एक बॉईल आएगा ना, इसको ढक देना है। इसको हम लोग ढक्कन से इसका लीड लगा देंगे और उसके बाद बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि पका है या नहीं पका है। इसको हमें पूरा कुक करना है, कच्चा ना रह जाए, इसका ध्यान रखिए। जैसे ही ये कुक हो जाएगा ना, इसमें अगर पानी बचता है तो हमें उस पानी को भी सुखा लेना है और सुखा के इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। देखिए, ठंडा होने के बाद ऐसा दिखेगा। और इसको हम एक बाउल में लेंगे और उसमें दही डाल देंगे। दही को हम पहले भी फेंट के डाल सकते हैं और बाद में तो फेंटना है ही, तो हम लोग फेंट सकते हैं, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हमारे रायते को थोड़ा चटपटा बनाते हैं। इसके अंदर चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा भुना हुआ, ये सब डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मुझे बहुत ही माइल्ड पसंद है। अब इसका फाइनल स्टेप तड़का। तड़के के लिए मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए। मेरे पास सूखे कड़ी पत्ते थे, फ्रेश नहीं था। आप फ्रेश का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें थोड़ी राई डाल दीजिए। लीजिए, तड़का तैयार है। अब इसको रायते में डाल दीजिए। आप भी इस रायते को बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।